वेलकम टू ऑल एंड बॉलीवुड तड़का। स्वागत करती हूँ आपका। मैं लेके आती हूँ आपके लिए बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री से न्यूज़ अपडेट, ताकि आप रहें अपडेट हमेशा। तो बात करेंगे सीधा शुक्ला की, जो कि पिछले बिग बॉस 13 सीजन के विनर रहे हैं और काफ़ी फेमस सेलिब्रिटी हैं। उनकी जो फेमस होने का आप इनसे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब वो विनर बने तो उसके एक साल तक जो है सोशल मीडिया पे उनकी चर्चा बनी रही। इस साल वो फिर से चर्चा का विषय बने हुए हैं। एक तो वो बिग बॉस 14 में एज ए सीनियर आए हैं, और दूसरा ये है कि उनके आते ही जो घर में एंटर होते ही है जो उन पे जो आरोप लगने लग गए हैं, पक्षपात के आरोप हैं जो वो लगने लगे हैं। और देखा जाए कहीं ना कहीं तो ये अब सामने आने लगा है। जो उनके फैंस हैं खुद सोशल मीडिया पे हैं जो वो बोलने लगे हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला हैं जो अब पक्षपात करने लगे हैं। वो अब दिखने लगा है, क्योंकि कल के ही आप एपिसोड में देख सकते हैं, जैसे कि कल टास्क था, एक गेम था खेलना, तो उसमें जो है कैसे उन्होंने जो निक्की तंबोली का जो था दिया पक्ष रखा, हमेशा ही रखते हैं वो निक्की का पक्ष। तो कहीं ना कहीं वो लगता है कि सिर्फ एक लड़की को लेकर जो पक्ष रखना हुआ तो पक्षपात लगता है। बिग बॉस में जो घर वाले हैं और बाहर जनता देख रही है, साफ पता लगता है कि वो निकी की तंबोली का पक्ष ले रहे हैं। कहीं ये निकी तंबोली है जो कहीं सिद्धार्थ शुक्ला का जो करियर है वो कहीं जो उनकी नैया है वो ना डुबो डुबो दे। सो आज जो कल का एपिसोड है हमने देखा, उसमें जो है निक्की की वजह से सिद्धार्थ हैं जो अब सीनियर गौहर खान और हीना खान से भी जो है झगड़ा लेने को तैयार हो गए। सो आगे देखते हैं बिग बॉस में क्या होता है, क्या नया है। वैसे तो देखा जाए तो तंबोली की वजह से ही हम कहते हैं कि एक तरह से बिग बॉस है जो एंटरटेनिंग है, और अपडेट लेने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। यूं ही सब्सक्राइब जरूर करना बॉलीवुड तड़का को। बॉलीवुड तड़का के जो साइड में एक क्लिक बटन है बेल आइकन का, वो भी दबा देना, क्योंकि उनसे ही जो है आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो टिल देन, बाय एंड टेक केयर।